कांगड़ा घाटी में भारी बरसात के चलते बीते गुरुवार को देर रात से शुक्रवार सुबह तक बारिश का दौर एक बार फिर से जारी रहा, जिसके कारण जिला मुख्यालय धर्मशाला के साथ लगते पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। मैक्लोडगंज पुलिस थाना से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए आने वाले दोनों सड़क मार्ग फिलहाल पूरी तरह से बंद हैं। जेसीबी के माध्यम से लैंडस्लाइड के मलबे को हटाने के बाद ही सड़क मार्गों को सुचारू किया जा सकेगा। रमेश कुमार और देशराज ने कहा कि धर्मशाला में लगातार हो रही बारिश के कारण बार बार लैंडस्लाइड हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की सुबह 5 बजे के करीब तेज़ बारिश होने के कारण अचानक से लैंडस्लाइड हो गया, जिस कारण स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जिला प्रशासन ने मशीनरी को मौके पर पहुंचाकर मार्ग खोलने का कार्य शुरू कर दिया है। सर, ये रात को भारी जो है बारिश के कारण जो है लैंडस्लाइडिंग हो चुकी है यहाँ पे। नुकसान तो अभी तक इसमें दो गाड़ियाँ जो हैं काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं, एक आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, और एक थोड़ा सा स्लाइडिंग के कारण नीचे की तरफ उतर चुकी है। और इससे क्या है कि जो स्कूली बच्चे, जो स्कूल को जाने वाले बच्चे थे, उनको भी थोड़ी काफ़ी दिक्कत हुई है, वो नहीं जा पाए। और काफ़ी यहाँ से जो है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या अपने जो मजदूर भाई लोग हैं जो भी हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कत हुई है, वो टाइम से अपना नहीं पहुँच पाए। जी, प्रशासन की तरफ से तो कोई ढील नहीं है, प्रशासन की तरफ से प्रॉपर कार्रवाई हो रही है, और आप देख रहे होंगे कि ऊपर जेसीबी भी लगी हुई है प्रशासन की तरफ से। एनवन लाइव की स्पेशल रिपोर्ट।